आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ हो, आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम, बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। हे, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मैं आप सबको आज पार्टी देना चाहता हूँ। पैसा निकल, पैसा। तुम क्या ऐसे ही घर जाओगी? हाँ रश्मि, तुम्हें मंगलसूत्र उतार। रश्मि, सिंदूर। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? चलो अंदर, आखिरी रसम तक साथ निभाऊंगी। बाबूजी, आज आपकी बहुत याद आ रही। बाप तो मैं उसी दिन बन गया था जिस दिन अमर ने हमारे परिवार में जन्म लिया था। वो तो खैर एक बच्चे के पिता होने का एहसास था, लेकिन आज मैंने जाना है कि इंसान सही माने में बाप तभी बनता है जब जब वो अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने परिवार के लोगों के लिए पूरी करता है। और पिताजी, मेरी इस खुशी को आप ही समझ सकते हो। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। कोकिला, चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। लो मुंह खोलो। क्यों मुंह? अरे भाई क्यों क्यों, मिठाई खाने के लिए। लेकिन किस खुशी में? अरे भाई, मिठाई खाने के लिए कोई कारण होना जरूरी है। अरे भाई, जब जी चाह तब मिठाई खा ली, जब जी चाह लोगों को खिला दी। खा आ। और दू? लेकिन आपके चेहरे की खुशी तो किसी खास बात की ओर इशारा कर रही है। खास बात तो कैसी खास बात? कोकी भाई, ना ही मैं वकील हूँ और ना ही तुम्हारे खानदान में कोई कभी वकील हुआ है, तो फिर आज ये अचानक वकील जैसे सवाल करना तुमने कहाँ से सीखी? आप बात को टालने की कोशिश मत कीजिए, तुम भी ना बेकार में पीछे पड़ गई हो। हाँ, अपने अमर का सेमिनार था ना आज? हाँ हाँ। अरे हाँ, ज्वेलर के यहाँ से एक आदमी आया था ये बिल लेकर। बिल मंगलसूत्र का है। मंगलसूत्र? हाँ, बिल मंगलसूत्र का है। तो फिर मंगलसूत्र कहाँ है? मंगलसूत्र 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 क्योंकि क्या है कि ये मेरी उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। अब मंगलसूत्र तो मैं ऑफिस में छोड़ आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफिस में छोड़कर आए तो कल आप उसे लेकर आइए। मुझे लगता है उसने बिल्कुल ज्यादा ही बनाया है। मैं उस मंगलसूत्र का वजन करवा कर सही दाम का पता करवा लूंगी। ठीक है,
ऐसा क्यों होता है जिसे तुम याद करते हो उसे उस बात की खबर हो जाती है? याद तो मैं भी तुम्हें कर रहा हूँ, फिर तुम्हें इस बात की खबर क्यों नहीं हुई? शायद तुम मुझे दिल से याद नहीं कर रहे होंगे। दिल से कैसे याद करता, दिल तो तुम्हारे पास है। वैसे भी जो इंसान अपनी सुहाग रात में अकेला भटक रहा हो उसका दिल और दिमाग काबू में कैसे रहेगा? तो फिर तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आ जाते? देखो चैलेंज मत करो वरना सचमुच तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, आ जाओ मुझे मिलने अभी। ये बात है तो फिर अपने पीछे मुड़ के देखो। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल है, अभी तुम ही तो मुझे चैलेंज कर रही थी कि हिम्मत है तो तुम्हारे पास आ जाओ, और जब आ गया हूं तो तुम मुझसे पूछ रही हो मैं यहाँ क्यों आया? अमर अमर तुम यहाँ से जाओ, मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें देख लिया ना तो। जा रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या? कौन है रश्मि? कोई नहीं पापा, कोई नहीं। तुमने इस वक्त क्यों फोन किया? रश्मि मैं बोल रहा हूँ, चंद्रकांत। पापा आप, सब कुछ ठीक तो है ना? बेटे अब क्या बताऊं, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या पापा? रश्मि बेटे वो जो मंगलसूत्र तुम्हारे गले में है उसकी डिजाइन और बिल दोनों कोकी के हाथ लग गया है। तुम तो जानती हो उसका स्वभाव, अब उसे वही मंगलसूत्र चाहिए। समझ में नहीं आता मैं। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अब हमारे पास इतना वक्त भी नहीं कि वैसा ही दूसरा मंगलसूत्र बनवा ले। तुम समझ रही हो ना बेटे, वैसे इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। आप परेशान मत होइए पापा, मैं ये मंगलसूत्र। बेटे बेटे मुझे माफ करना, मेरे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं एक सुहागन से उसके सुहाग की निशानी वापस मांग रहा हूं, और बेटे ससुर के लिए इससे बड़ी लाचारगी क्या हो सकती है? पापा मैंने कहा ना आप परेशान मत होइए, और आप इस बात को लेकर दुखी क्यों हो रहे हैं? आप ये क्यों नहीं समझते कि उस घर की बहू बनने के बाद भी अगर मैं उस घर में कदम नहीं रख पाई तो क्या, कम से कम मेरी सुहाग की निशानी तो वहां पहुंच जाएगी। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है? बेटे तुम महान हो, मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सोचा था वो सब सच निकला, और मुझे मुझे मेरे अमर के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी। अब तो मुझे इंतजार रहेगा मेरी ऐसी बहू के हमारे घर आने का। पापा आप चिंता मत कीजिए, किसी भी तरह से वो मंगलसूत्र आप तक पहुंच जाएगा। हाँ बेटे,
है पापा? हेलो अमर, अमर मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। हाँ अर्जेंट। आ गया, मैं आपकी राह देख रही थी। अच्छा क्यों? अरे क्यों क्या, आप कुछ लाने वाले थे ना? मैं क्या लाने वाला था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप नाटक मत कीजिए, आप कुछ लाने वाले थे, भूल गए? अरे क्या भूल गया, तुम भी। अरे मंगलसूत्र। मंगलसूत्र? हाँ वो मैंने ऑफिस में ढूंढा लेकिन नहीं मिला। खैर जाने दो उसे, मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा। हाँ दूसरा नहीं, मुझे वही मंगलसूत्र चाहिए। कोकी तुम भी कमाल करती हो, ऐसी क्या खास बात है उस मंगलसूत्र में जो तुम्हें वो ही चाहिए? मैंने कहा ना दूसरा ला दूंगा। पापा क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? अरे तुम्हारे पापा क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। इन्होंने एक मंगलसूत्र खरीदा था और अब कह रहे हैं कि वो मंगलसूत्र गुम हो गया। क्या पापा आप भी सचमुच बूढ़े हो गए, आपने उसे मेरे पास संभालने के लिए दिया था। ये देखिए ये। कितनी अच्छी डिजाइन है। हाँ डिजाइन अच्छी है लेकिन कोकी ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? हमारी होने वाली बहू के लिए। हमारी होने वाली बहू के लिए? ये हमारी होने वाली बहू की अमानत है, इसे संभाल के रखना होगा। ये तो और भी अच्छी बात है, आपने अमर की शादी की तैयारी अभी से शुरू कर दी। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। वैसे भी ये मंगलसूत्र मधु के गले पर बहुत सुंदर लगेगा, मैं अभी उसे बता कर आती हूँ। नहीं, हम अपनी मान मर्यादा की शर्तों पर इस रिश्ते को अंजाम नहीं दे सकते। मुझे रश्मि को अमर से मिलने से रोकना ही होगा, रोकना ही होगा। बस बस बस, मैं देख रही हूँ जब से हमारी शादी हुई है तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए हो। नहीं तो मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। हमारी टिकटें हैं, हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, कल की फ्लाइट है, तैयारी कर लेना। क्या बात है सर, थके हुए लग रहे। कहिए मेरी शादी की भागदौड़ की थकान तो नहीं? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी शादी की भागदौड़ में शरीर भले ही थक गया हो लेकिन मन को बहुत सुख मिला है। इतनी शादियां देखी है मैंने अमर, पर तुम्हारी शादी बिल्कुल निराली ही थी। मेरी जिंदगी भी तो निराली है सर। क्या बात है सर, आप निराश क्यों हो गए? नहीं नहीं उदास नहीं, ये क्या है सर? बैंगलोर के डॉक्टर अय्यर का नाम तो तुमने सुना ही होगा, कैंसर के ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट में उनकी स्पेशलाइजेशन है। बैंगलोर में उन्होंने एक रिसर्च सेंटर भी खोल रखा है, ये उसी की प्रोफाइल है। वैसी अमर मैंने तुम्हारा केस उनके पास स्टडी के लिए भेजा था और उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया है तुम्हारे केस में, ये उसकी प्रोफाइल है, तो तुम पढ़ लो, आगे का डिसीजन तो तुम्ही को लेना है। रश्मि। हाय रश्मि। अमर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ रश्मि? अमर हम कल इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए न्यूजीलैंड जा रहे हैं। क्या ये कैसे हो सकता है,
ये हो रहा है? पापा ने तो टिकट्स भी ले आए हैं और मम्मी मम्मी ने तो पैकिंग भी शुरू कर दी है। लेकिन ये सब अचानक ऐसा क्यों रश्मि? अमर हो सकता है कि पापा ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया हो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अमर प्लीज कुछ करो। रश्मि देखो तुम चिंता मत करो, तुम अपनी पैकिंग जारी रखो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। हाँ लेकिन जल्दी। बाय बाय। क्यों अमर? ये जिंदगी इम्तिहान लेने से चूकती क्यों नहीं सर? सिर्फ 62% मार्क्स टेस्ट की परीक्षा में ये हाल है तो बोर्ड की परीक्षा में क्या होगा? सॉरी पापा, गलती हो गई। तुम्हारे सॉरी कह देने से बेटा काम नहीं चलता। तुम्हारी ये गलती तुम्हें अभी छोटी लग रही है पर तुम्हारी यही गलती तुम्हारी जिंदगी तय करेगी। तुम्हें ए ग्रेड जिंदगी जीनी है, बी ग्रेड जिंदगी जीनी है या सी ग्रेड जिंदगी जीनी है। हम माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर न जाने क्या क्या सोच लेते हैं। उनके भविष्य को तय करने में, उनकी जिंदगी को बनाने की होड़ में खुद को उनका भाग्य विधाता मान लेते हैं। लेकिन तब हम शायद ये भूल जाते हैं कि तकदीर की रेखाएं जब अपनी चाल चलती है तो हम कितने कितने बेबस और असहाय हो जाते हैं। पापा, पापा, अरे अमर, अरे कितनी देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है भाई, ड्राइवर सीट पे चलिए फटाफट। मतलब मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा? हाँ पापा। अरे कैसी बात, क्या कर रहा है तू ये आज? लेकिन जाना कहाँ है हमें? आप चले ना पापा, मैं रास्ते में बताता हूँ आपको। ये आगे क्यों नहीं जाता? पापा गियर में डालिए। हाँ मैं जानती हूं इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो। क्या ये मंगलसूत्र तुम्हारे इसी क्या का जवाब है? कुछ देर के लिए तो मैं भी घबरा गई थी कि उन्होंने ये मंगलसूत्र किसके लिए बनवाया है, लेकिन जब सच्चाई का पता चला तब मेरा मन खुशियों से भर गया। तुम जानना नहीं चाहोगी ये मंगलसूत्र किसके लिए है? किसके लिए? इस घर की होने वाली बहू के लिए, यानी कि तुम्हारे लिए। सच? बिल्कुल सच। देखा, तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब ज्यादा सोचना विचारना छोड़ दो। रश्मि, ये क्या सारा सामान वैसे ही पड़ा है? कब पैकिंग करोगी? जल्दी किस बात की है मम्मी, पैकिंग तो हो जाएगी। अरे कब हो जाएगी, कल निकलना है हमें। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या है, सामान बिखरा पड़ा हो। न जाने क्यों मुझे ऐसे अब लगने लगा है कि तुम हमारे साथ आना ही नहीं चाहती। जी, आपने ठीक कहा।
मैं नहीं जाना चाहती। क्यों मम्मी जल्दी किस बात की है? हम थोड़े दिन बाद भी तो जा सकते हैं। क्या हासिल होगा क्या हासिल होगा थोड़े दिन और यहां रहकर? रोज रोज की जिल्लत ही ना। लेकिन अब नहीं, अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। लेकिन पापा, रेखा समझा दो इसे, हमने इस घर की मर्यादाओं की जो सीमा तय की है, अगर इसे इस घर में रहना है तो उन सीमाओं को मानना होगा। समझा दो। सदा ही हंसी है, हो आती रहेंगी बहारें।